ये मेरे पीछे देख रहे हो ये है डॉर्मेट्री, और अभी मैं हूँ अंधेरी ईस्ट में। और चलो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज रमेश शेखावत, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज मैं अभी फिलहाल अंधेरी ईस्ट में शिफ्ट हो गया हूँ। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, और रेगुलरली यहीं रहने वाला हूँ जहाँ मैं डोंबिवली पहले रहता था। तो वो चलो बात आगे करते हैं, अभी मैं आपको इनसाइड लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ रुका हूँ और कैसी जगह है। तो गाइज मैं यहाँ पे रुका हूँ और अभी मैं आपको इनसाइड लेके चल रहा हूँ और आपको इनसाइड से दिखाता हूँ कि ये कैसी जगह है। ये यहाँ का रिसेप्शन हो गया एंड दैट्स आउटसाइड, ये है इनसाइडर। तो आप ये देख सकते हो कि एज लाइक एक होता ना कि बंक बेड्स, तो ये आप देखो ये ओल बंक बेड्स है। तो यहाँ पे सिंगल पर्सन के लिए रुकने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। एंड हेलो, इसके बारे में डिटेलिंग मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप ये जगह देख लो। उसमें खड़े हो जाओ, पानी गिर रहा है। क्या बोल रहे हो भाई? 500? नहीं नहीं, मेरा नहीं है। ओ भाई साहब, उससे खड़े हो जाओ, पानी गिर रहा है। तो अभी मैं आपको मेरा बंक बेड दिखाता हूँ कि मेरा कौन सा वाला है। तो मेरा वाला ये है, इसमें कटल्स लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो इसमें कि सिंगल मतलब एक बेड मिलता है। और साथ में यहाँ पे इसी का एक मतलब जो बेड हो गया, बेड के नीचे ये लॉकर हो गया। तो इस लॉकर का जैसे हम ओपन करेंगे इसको, तो ये आप देख सकते हो कि इसमें मैंने मेरा सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे सामान रख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ है। और एक ऐसी यहाँ पे लगी हुई है, एक ऐसी वहाँ पे लगी हुई है। और ये हो गया इसका किचन, तो ये किचन है यहाँ का, सेल्फ सर्विस भी है। और यहाँ पे आप बोल भी सकते हो जो भी आपको ऑर्डर करना है वो आप बना के दे देंगे ये लोग। और ये हो गया वॉशरूम, तो वॉशरूम भी ठीक है, नॉट बैड। यहाँ पे ये टोटल 7 वॉशरूम्स हैं। एंड दिस वे इज द लॉन्ड्री एरिया, वॉशिंग मशीन एंड ऑल। तो अभी हम वापस आउटसाइड चलते हैं और अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेलिंग देता हूँ अच्छे से बैठ के अपने बेड पे। तो इसको मैं मेरा फर्स्ट ब्लॉग ही बोलूँगा, बिकॉज डॉर्मेट्री में मेरा पहला ब्लॉग है। और अभी मैंने आपको ये जितना भी कुछ था यहाँ पे तो वो मैंने आपको दिखाया है। और ये मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था यहाँ पे मुंबई में कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे स्टे के लिए सबसे स्टेबल और सही जगह हो। तो काफ़ी जगह ट्राई करने के बाद में मुझे ये जगह मिली है, रॉयल डॉर्मेट्री, जो कि अंधेरी ईस्ट में है। तो मैं अभी जो आपको बोल रहा था पहले कि जो डोंबिवली में मैं रहता था, तो वहाँ पे एक्चुअली हमारा फ्लैट है खुद का, भैया रहता है वहाँ पे। बट एक्चुअली वहाँ से यहाँ आने में 3 आवर्स का टाइम लगता है वन साइड, तो 3 and 3 6 आवर्स, 6 आवर्स का टाइम बहुत होता है एज ए स्ट्रगलिंग टाइम, एज ए एक्टर, एज ए मॉडल वर्क कर रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है कि एक मीटिंग या एक ऑडिशन है तो उसके लिए 6 आवर्स का ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये जगह ली है यहाँ पे। यहाँ पर शिफ्ट होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि टाइम की बचत करना, बिकॉज वहाँ से यहाँ आने में 6 आवर का ट्रैवल और एक मीटिंग एक ऑडिशन के लिए 6 घंटे का ट्रैवल करना बहुत भारी काम होता था। तो अभी मीटिंग का टाइम 1:30 का है और मैं लेट ना हो जाऊँ इसलिए अभी निकलना पड़ेगा। तो अभी बाकी की बातें हम आगे चल के बाद में रास्ते में बात करता हूँ मैं आपसे। तो देखते हैं मीटिंग कैसी होती है, कौन सी जगह है, तो आगे चल के सब कुछ बताता हूँ मैं आपको। ये डॉर्मेट्री से निकलते ही जस्ट सामने ये मेट्रो स्टेशन है मरोलना का। तो अभी यहाँ से बस मिलेगी, बस नंबर तो नहीं पता है मुझे, बट अंधेरी स्टेशन के लिए बस मिलने वाली है, फिर वहाँ से हमको लोअर परेल चलना। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये है मरोलना का मेट्रो स्टेशन।
फर्स्ट वन ए विंग है, मुझे सी विंग में जाना है। सी विंग थर्ड वन होगा, तो अभी हम वहीं चल रहे हैं। और ये प्यारा सा मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे बीच में, बहुत सही बनाया है। तो अभी यहाँ पे मीटिंग हो चुकी है एंड यहाँ के लिए मैं बता देता हूँ कि जस्ट लाइक कि टैलेंट को प्रमोट करने वाली जगह है, तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल दी है और इनके थ्रू मतलब इनसे कंपनी एजेंसी जुड़ी हुई रहती है, तो अगर उनको मेरी प्रोफाइल पसंद आती है तो इनके थ्रू मुझे वर्क मिलेगा। मीटिंग हो गई, एज लाइक ऑडिशन भी हो गया और मैंने मेरी प्रोफाइल कम्प्लीट दे दी है इनको। तो अभी आगे जाके काम मिलेगा नहीं मिलेगा ये इस सब पे छोड़ दें। और अभी बारिश बहुत तेज़ आ रही है, तो सेफ्टी से वापस घर जाते हैं और वहाँ जाके बात करते हैं। है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। और रात को मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया बिकॉज बारिश आ रही थी और फिर थोड़ा लेट आया था मैं घर पर और आके खाना खा के सो गया था। तो अभी मैं ब्लॉग रेगुलरली कर रहा हूँ और जस्ट थोड़ी देर पहले उठा हूँ और नाश्ता भी आ चुका है। यहाँ पे ये नाश्ता मिलता है तो ठीक है। और अभी बस नहाऊँगा और फिर मुझे कहीं बाहर जाना है, तो अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। एक होता है ना कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप कोई भी वर्क करो। तो आई ब्लेस पापा और मेरे दोनों भाई बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे इस चीज़ में कि हाँ बेटा तू कर, जो तेरे को करना है वो कर, हम साथ हैं। तो इससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और मुझे खुद को कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे कॉन्फिडेंस पे उन लोगों को ट्रस्ट है। तो आई वुड लाइक यू थैंक्स पापा एंड राम भैया एंड नरेंद्र मोदी, मैं बड़े भाई को मोदी बोलता हूँ, तो तीनों को बहुत 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 थैंक यू, मतलब इतना सपोर्ट करने के लिए और मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। तो आधी जीत तो मैंने ऐसे हासिल कर ली है और बाकी की जर्नी आप लोगों के साथ में। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ और आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इस लाल वाले बटन को तो दबाना है ना, दबा दो, तोड़ दो इस बटन को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।